हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का फिफ्थ चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत जल्दी और बहुत आसानी से भी समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको इस पाठ में प्रयुक्त होने वाली शब्दावलियों यानी टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा और बार बार अभ्यास आपको करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम किन किन बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेंडलिज्म की, मेंडलवाद। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि मेंडल कौन थे और उन्होंने क्या प्रयोग किए और उन प्रयोगों के क्या निष्कर्ष निकले और जिन जिन निष्कर्षों को आज हम मेंडल के नियमों के रूप में जानते हैं। इसके अंतर्गत हम एक जीन की वंशागति और दो जीनों की वंशागतियों को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता और को डोमिनेंस यानी सप्रभाविता की। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यानी वंशागति के गुणसूत्री आधार को भी हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है इसे समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ हम कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स की भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, जिनमें हम मेंडेलियन विकारों और गुणसूत्री विकारों की अलग अलग चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर के नाम से, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति और विविधता। चलिए समझते हैं कि ये होते क्या है। एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मनुष्य जनन की प्रक्रिया द्वारा अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करता है, यानी मनुष्य जनन द्वारा मनुष्य संतानें ही उत्पन्न करेगा। ठीक है, मनुष्य किसी और जीव की संतानें उत्पन्न नहीं कर सकता। जैसे हाथी से केवल हाथी ही पैदा होंगे, आम की गुठली को बोएंगे तो आम का पेड़ ही पैदा होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि संतानें अपने जनकों के समान होती हैं, यानी जनकों के कुछ लक्षण संतानों में आ जाते हैं। इन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, और इन लक्षणों का माता पिता से अपनी संतानों में आ जाने की घटना को वंशागति या आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में आते हैं और वो लक्षण कैसे आते हैं, ठीक है, इसको हम वंशागति या आनुवंशिकता के अंतर्गत समझते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर क्या होता है, संतानें अपने माता पिता के समान तो होती हैं, लेकिन उनसे उनकी तरह पूर्ण रूप से समान नहीं होती है। जैसे हम अपने माता पिता के समान तो हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली उनके जैसे नहीं हैं। हम उनसे अलग दिखते हैं और हमारे लक्षण भी कुछ उनसे अलग होते हैं। इवन एक ही माता पिता की दो संतानें भी अलग अलग होती हैं। तो ये क्या कारण है, कैसे ये संतानें अपने माता पिता से अलग हो जाती हैं, और जो जब ये अपने माता पिता से अलग होती हैं तो उसे विविधता या वेरिएशन कहते हैं या विभिन्नताएं कहते हैं। हम जानेंगे कि कैसे संतानें अपने जनकों से अलग हो जाती हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पाठ को समझने के लिए आपको कुछ शब्दावलियों को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे पूरे चैप्टर में आपके सामने ये शब्द बार बार आएंगे, इसलिए मैं कुछ शब्दों को आपके सामने पहले बताना चाहूंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनक पादप किसे कहते हैं। बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में हम बहुत ज्यादा सिंबल्स का यूज करने वाले हैं, प्रतीकों का यूज करने वाले हैं। जैसे आप केमिस्ट्री में करते हैं ना, वैसे ही इस चैप्टर में हम प्रतीकों का बहुत यूज करने वाले हैं। जैसे जनक पादप को हम कैपिटल पी से दिखाते हैं। जिन पौधों में संकरण करवाया जाता है या क्रॉस करवाया जाता है उन्हें हम जनक पादप कहते हैं। ये जनक पादप फिर अपनी संतान पीढ़ी का निर्माण करते हैं। हाइब्रिड या संकर किसे कहते हैं, जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस करवाया जाता है तो प्राप्त पौधों को संकर पौधे कहते हैं।
अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लक्षण प्रारूप की। फिनोटाइप किसे कहते हैं? जीव की बाह्य आकारिकी का प्रदर्शन, यानी जीव बाहर से कैसा दिखता है तो उसे हम लक्षण प्रारूप कहेंगे। जैसे कोई लंबा दिखता है, किसी की हाइट कम है, कोई बौना दिखता है, किसी का स्किन का कलर ग्रे है, किसी का ब्लैक है, इस तरीके से, ठीक है। किसी की आईज छोटी है, किसी की आईज बड़ी है, जीव बाहर से कैसा दिखता है उसको हम लक्षण प्रारूप कहेंगे। जीन प्रारूप किसे कहेंगे? जीन संरचना, आनुवंशिक संगठन या आनुवंशिक कारकों के सहयोग को हम जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं युग्म विकल्पी या एलील किसे कहते हैं? विपरीत लक्षणों वाले युग्मों को एलील्स कहते हैं। विपरीत लक्षणों वाले जोड़ों को एलील्स कहते हैं। जैसे लंबाई के लिए एलील क्या हुए? लंबापन और बौनापन। पुष्प के रंग के लिए एलील बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे लाल पुष्प, नीला पुष्प, सफेद पुष्प, पीला पुष्प, इस तरीके से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं समयुग्मजी, होमोजाइगस। एक लक्षण प्रारूप के लिए जब दोनों युग्म विकल्पी एक समान होते हैं, जैसे शुद्ध लाल या शुद्ध बौना, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, दोनों के लिए शुद्ध लाल के लिए आर आर, कैपिटल आर कैपिटल आर एक जैसा है, शुद्ध बौने के लिए स्मॉल टी एक जैसा है। तो जब ये एक जैसे हम दोनों युग्म विकल्पी एक समान होते हैं तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। आप अभी इनको ऐसे ही समझिए, अभी आपको ये स्पष्ट नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर आगे करते जाएंगे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं विषमयुग्मजी या हेटरोजाइगस की। जब किसी लक्षण प्रारूप के लिए दोनों युग्म विकल्पी असमान होते हैं तो उसे विषमयुग्मजी कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, शंकर लंबे हाइब्रिड के लिए हम कैपिटल टी और स्मॉल टी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है इसलिए हम इसे विषमयुग्मजी या हेटरोजाइगस कहेंगे। अब बात आती है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी जो होती है में केवल एक लक्षण दिखाई देता है और दूसरा लक्षण छिप जाता है। तो जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो लक्षण छिप जाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब बात करते हैं F1 और F2 पीढ़ी की, पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की। जब दो जनकों के बीच संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो पहली जो संततियां होती हैं उनको F1 पीढ़ी कहते हैं, ठीक है। पहली जो संततियों की से F1 पीढ़ी कहते हैं। और जब इन F1 पीढ़ी से दो जनक लेके फिर संतति उत्पन्न की जाती है तब जो संतति उत्पन्न होगी उसे F2 पीढ़ी कहते हैं। अब यहाँ पे एक और टर्म आते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस। जब एक प्रजाति के दो जनक पौधों में किसी एक लक्षण, ठीक है, जब हम केवल एक लक्षण जो केवल एक ही जीन से नियंत्रित हो की वंशागति के अध्ययन के लिए जब क्रॉस कराते हैं तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एकल संकर क्रॉस कहते हैं। वहीं जब हम दो लक्षणों की वंशागति के अध्ययन के लिए क्रॉस करेंगे तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। जैसे उदाहरण समझिए, माना हमने किसी पौधे के बीजों के रंग के लिए अगर कोई संकरण कराना है तो केवल अगर हम एक ही लक्षण का अध्ययन एक ही लक्षण के अध्ययन के लिए करेंगे तो एक संकर क्रॉस कहलाता है, जबकि नहीं दो लक्षणों को ले लेते हैं, जैसे पौधे की लंबाई और फूल का रंग दो को ले लेंगे तो हम उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं मेंडेलवाद में, यानी मेंडेल कौन थे और उन्होंने क्या किया। तो अब थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। मेंडेल बचपन से ही बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के बालक थे। वो उनके पिता किसान थे, जब वो अपने पिताजी के साथ जब बहुत छोटे थे तो खेतों में जाया करते थे तो उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछा करते थे कि पिताजी इतने सारे फूलों के अलग अलग कलर क्यों हैं, हम गेहूं बोते हैं तो गेहूं ही क्यों उगते हैं, आदि आदि वो बहुत सवाल किया करते थे। वो आश्चर्यचकित रहते थे कि पौधों में इतनी सारी विविधता कैसे है, इतने सारे डिफरेंट कलर के पौधे, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स क्यों होते हैं, ठीक है। वो हमेशा इस पे चर्चा किया करते थे। जब वो बड़े हुए, मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल उनका पूरा नाम था, तो वह एक चर्च में पादरी हो गए। ऑस्ट्रिया
ऑस्ट्रिया से ही बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रिया के एक चर्च में ये पादरी हो गए। तो उस चर्च के बाहर एक छोटा सा बगीचा था जिसमें मटर के पौधे उन्होंने लगाए हुए थे। ठीक है, वो चूंकि जिज्ञासु तो बचपन से ही थे तो बहुत बारीकी से निरीक्षण करते थे। तो मटर के पौधों का जब वो निरीक्षण करते थे तो उन्होंने अचानक देखा कि मटर में कोई पौधे बौने हैं, कोई पौधे लंबे हैं। कभी वो लंबे पौधे उगते हैं तो अचानक छोटे पौधे बीच में उगाते हैं। इस तरीके से वो बारीकी से मटर के पौधों का निरीक्षण करते रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी जितने भी लक्षण उन्होंने देखे वे उन लक्षणों को एक एक करके नोट करते गए, उन लक्षणों के बारे में वे नोट करते गए। उन्होंने मटर उद्यान मटर यानी पाइसम सैटाइवम पर 7 वर्षों तक निरीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया और उनके रिजल्ट्स का उन्होंने कलेक्शन किया और लिखते रहे। तकरीबन 22 किस्मों पर उन्होंने अपने प्रयोग किए। उसके बाद उन्होंने अपने प्रयोगों को लिखा और उसे प्रकाशित किया। उस समय जो साइंस की के खोजें और आर्टिकल्स जिसमें छपते थे उसमें उन्होंने प्रकाशित किया, लेकिन उस वक्त उनकी इन बातों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन दिनों ये बहुत नया टॉपिक था। ठीक है बच्चों, ये बहुत नया टॉपिक था इसलिए उनकी खोजों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और इस तरीके से उनकी जो खोजें थी वो दुनिया के सामने नहीं आ पाई। केवल कुछ ही लोगों ने उसको सुना और कुछ लोग उसको भूल गए। इस तरह ग्रेगर जॉन मेंडल की मृत्यु भी हो जाती है और इस तरह उनकी खोज मतलब छुपी रहती है लोगों से। काफी समय बाद उनकी मृत्यु के बहुत सालों बाद 3 वैज्ञानिक आए, डिवरीज, कोरेंस और शेरमार्क। इन्होंने मेंडल के निष्कर्षों को जो उन्होंने लिखा था उसको पढ़ा और अलग अलग प्रकार से उन्होंने फिर उस पे खोजें करना शुरू किया और तीनों अलग अलग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे। और इन तीनों ने मेंडल के जो खोजें थी, मेंडल के जो प्रयोग थे उनसे निष्कर्ष निकाले और उनको नाम दिया इन्होंने मेंडल के नियम। मेंडल के नियम उन्होंने उनके खोजों से 3 मेंडल के नियम निकाले जिनको हम अभी आगे की वीडियोस में हम बात करने वाले हैं। बच्चों अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो मेंडल थे उन्होंने उद्यान मटर को ही यानी पाइसम सैटाइवम को ही क्यों अपने रिसर्च के लिए चूज किया। बच्चों इसके लिए कुछ मेंडल जो मटर है उनके उसके पौधे की बहुत कुछ खास बातें हैं। जैसे पहली है ये स्वपरागणी होते हैं और साथ साथ ही इनमें कृत्रिम परागण भी संभव होता है। इनमें अनेक विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। ये छोटे स्थान पर आसानी से उग जाते हैं। ये एकवर्षीय होते हैं इसलिए बहुत कम समय में आप इनकी कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। इनमें अधिक फल फूल और बीज बनते हैं जिससे इस पे प्रयोग करना बहुत आसान होता है। मेंडल ने बताया कि आनुवंशिकता का आधार कुछ आनुवंशिक तत्व होते हैं जिनको मेंडल ने कारक या फैक्टर कहा, बाद में इन्हीं को जीन कहा गया। बच्चों मेंडल ने मटर के 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को अपने प्रयोगों के लिए चुना। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, बीज की आकृति, बीज का रंग, पुष्प का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, पुष्प की स्थिति, तने की ऊंचाई, इन 7 लक्षणों को मेंडल ने अपने प्रयोगों में लिया और इसमें 2 प्रकार के लक्षण, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी बात अभी मैं टर्मिनोलॉजी में जिनकी मैं बात कर रही थी। यहां पर भी देख लीजिए, ये देख लीजिए, तने की लंबाई के लिए लंबापन डोमिनेंट है और बौनापन रेसेसिव है। इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। जैसे फली का रंग हरा और पीला, पुष्प की स्थिति कक्षी और अक्षी, बीज का रंग पीला और हरा। इस तरीके से मेंडल ने 7 लक्षणों को लिया और मटर पे उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और ये प्रयोग जीव विज्ञान के लिए बहुत हितकारी सिद्ध हुए और कई प्रकार के इससे फिर निष्कर्ष निकाले गए। इनको हम अगले वीडियो में बात करेंगे।